अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको अपने जो कैबिट सिस्टम है उसके बारे में कुछ मालूमात देंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे कि जो कैबिट सिस्टम है हम कैसे ऑपरेट करते हैं और जो हमारे कस्टमर है हम उन तक कैसे पहुंचाते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो उसी मामले पे है और उसी तफसील पे है, तो आज आप हमको पूरी तफसील अपने सिस्टम के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको अपने सिस्टम के बारे में मालूमात देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा केबल सिस्टम है जो अभी लाइट है उस पर चल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं आपको सारे तफसील बाय तफसील बताता हूँ। पहले हम आपको बताऊँ, ये जो बड़ा सिस्टम अभी लगा हुआ है सारा, ये आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये पूरा जो बड़ा लगा हुआ है ये एनालॉग सिस्टम कहलाता है। यानी कि ये जो पुराना सिस्टम था हमारा ये वो है, लेकिन ये भी अभी रनिंग तो है। इसको मैं आपको दिखाता चलूँ, थोड़ा अंधेरा है अभी, थोड़ा अंधेरा है, लेकिन वायरिंग आपको मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन अब जो हम चला रहे हैं ये तो साथ में चल रहा है, लेकिन उसके अलावा हम ये डिजिटल सिस्टम चला रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता चलूँ, जो अब डिजिटल सिस्टम है हमारा वो सब अब समझे कि इन चार पाँच चीज़ों पर पूरा सिस्टम हमारा चल रहा है और उनके साथ ये 8-10 हमारे रिसीवर चल रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है कि पहले जो हमारा पूरा सिस्टम होता था वो पूरा ये है। मैं पूरा आपको दिखाता चलूं कितना बड़ा है। इसमें लाइट का भी मसला और 24 आवर्स चलाना का भी मसला, लेकिन ये जो है पूरा इसको छोटा करके डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन यानी कि आपने सेट टॉप बॉक्स सुना होगा, केबल का सेट टॉप बॉक्स, ये पूरा वो सिस्टम है हमारे पास। और वो जो पुराना मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी साथ में चल रहा है हमारे पास। इसमें तकरीबन हम 35 से 40 चैनल चलाते हैं, लेकिन इतने बड़े सिस्टम है ये देखें, ये ऊपर तक ये सारा। और ये जो छोटा सा है ये आप 4-5 चीजें देख रहे हैं और कुछ ये देख रहे हैं, इसमें हम कम से कम 100 से ऊपर चैनल चला सकते हैं, 100 से भी ऊपर। गुंजाइश तो ज्यादा है, लेकिन इन थोड़ी सी चीजों में भी हम 100 से ऊपर चैनल चला रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी आप देखें कितनी आगे हो गई है। और पुराने सिस्टम में 40 चैनल वो भी इतने बड़े में जिसमें लाइट का ज्यादा खर्चा है और भी परेशानियां, टेंशन, सेटिंग का मसला, ये वो काफी टेंशन होते थे। इसमें कोई ज्यादा मसला ही नहीं है, ये बिल्कुल इजी सिस्टम है और आईपी पे चलता है। दो दो कंप्यूटर हैं, बिल्कुल कंप्यूटर से हम इसको हैंडल करते हैं। ये रखा हुआ है मेन कंप्यूटर हमारा, इससे हम इसको हैंडल करते हैं, बिल्कुल ईजी है, कोई टेंशन नहीं होती हमें सेटिंग में, न काम में, न और किसी में, न फॉल्ट में, बिल्कुल आसान है। सेटअप बॉक्स जो आपने सुना होगा ये सेटअप बॉक्स का सेटअप है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो पुराने रिसीवर हैं वो भी आप पहचानते होंगे, जो जिन दोस्तों ने यूज किए होंगे, ये भी देख सकते हैं रिसीवर पुराना पड़ा हुआ है हमारे पास। और इसके अलावा ये भी पुराना है, और सबसे पुराना मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये जो पुराने रिसीवर थे इसमें बहुत बड़े झंझट मसले सेटिंग के, ये वो, अब इनका दौर ही खत्म हो गया है, ये तो बंद पड़े हुए हैं अभी। इसमें ज्यादा लाइट का टेंशन और सेटिंग का मसला ये देख सकते हैं। दोस्तों ने यूज किया होगा, किन्नों ने, उनको पता होगा कि ये किस किस्म के हैं। लेकिन अब जो भी दौर आ रहा है वो डिजिटल और छोटे से छोटा, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। अब तो मैं आपको पूरे रिसीवर भी दिखाता चलूं। अच्छा, ये इसके मॉड्यूलेटर हैं, UHF चैनल कहलाते हैं। इसकी ऑडियो इसमें डाल के फिर हम इससे चैनल निकालते हैं। पुराने सिस्टम में ये तो नया है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं होती, बिल्कुल इजी। अब ये मेरे रिसीवर में आपको जो बंद पड़े हैं समझे वो ओल्ड हैं, अब उनका टाइम खत्म, हर चीज डिजिटल पे कन्वर्ट हो रही है। अब तो सुना होगा डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है। अच्छा, ये जो है ये हम लाइट नहीं होती फिर भी हम इसको 20 आवर्स चलाते हैं, पूरे गांव में हमारी सर्विस 20 आवर्स चलती रहती है, लाइट ना भी हो ना फिर भी ये चलता रहता है हमारा सिस्टम। उसके लिए बैकअप में हमने ये UPS लगाया हुआ है, बैटरीज है, और उसके अलावा जो मेन चीज है इनको सप्लाई देना, ऊपर जो हमारी फाइबर लगी हुई है उनकी जो सपोर्टिंग है उससे हमने इसको करंट दिया हुआ है। हमारे नोड लगे हुए हैं, 7 नोड है, यहीं से हमारा करंट वहां तक जाता है, नोटों पे 7 नोड है जहां भी लगे हुए हैं पूरे गांव में, उनका करंट भी हम इधर से ही उनको देते हैं ताकि हमारी सर्विस जो है वो 20 आवर्स चल सके लोगों के पास। क्योंकि हमारे कस्टमर यहाँ ज्यादातर क्रिकेट के शौकीन है, तो उसी हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि उनको कोई दिक्कत ना हो हमारी सर्विस देखने में।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नया है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो भी लाइक करें, शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन जो वीडियोज हैं वो आपके पास पहुंचती रहें और आप उनसे फायदा उठाते रहें। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।